दोस्तों, राजीव इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरे पास बड़ी वाला मिक्सर जार आया हुआ है और इसमें से पानी गिर रहा है। जैसे कि इसमें से कुछ भी पानी वाला कुछ सामान पीस रहे हैं, जैसे मसाला वसाला। इसमें बड़ा है, इसमें मसाला नहीं पीसा जाता है, मतलब ज़्यादा काम आने पर इसमें मसाला भी पीस जाता है। तो अगर इसमें से आपके पास मतलब पानी निकले तो इसे आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ये न है, इसको मतलब ब्लेड को ऐसे ऐसे करने पर डगमगा रहा है और ये भी हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोस्तों, इसको चेंज करने सीखेंगे हम लोग। तो इसको सबसे पहले खोलेंगे। तो इसके लिए खोलने के लिए हम लोग को स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए एक ऐसा 9 नंबर का है, 9 mm लिखा रहता है इस पर, तो इसी से खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, तो इसको रख के और पीछे से हाथ से पकड़ के। तो दोस्तों, मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है और ना ही कोई स्टैंड मेरे पास है, तो मैं वीडियो को स्टॉप करके इसको खोल लेता हूँ। आप खोल सकते हैं पीछे से पकड़ के और इस स्क्रू ड्राइवर के मदद से। 9 mm का है इसका नाम। तो दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है, ऊपर से ही खुल गया, ये वाला छोटा वाला नट बाहर आ गया और पीछे से भी यह बाहर आ चुका है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सापट है और ये पीछे का सॉकेट है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सापट नहीं ना ख़राब है या बूस इसमें का, ये उसको बूस बोला जाता है। तो मेरे पास है, अभी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार का सापट। तो इसको चेक करेंगे। ये वाला मेरे पास सापट है। तो दोस्तों, मैंने इसका सापट चेक किया तो ये हिल रहा है, ये मतलब ये ढीला ढाला हो रहा है, ये बिल जो है मतलब भूस ये घिस गया है, तो इससे काम नहीं बनेगी। इसके लिए इस सॉकेट को चेंज करना पड़ेगा। तो सॉकेट को खोलने के लिए मेरे पास बम्बू होना ज़रूरी है, मतलब आप लोगों के पास। तो मेरे पास देखिए, ये बम्बू रखा हुआ है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये और इसके साथ ये सेट मिलता है और ये वाला आगे वाला जो है इसका नट इस बम्बू पर रख के इसमें फंस जाता है, और किसी से पकड़वा कर खोलवा लेंगे। तो इसका नीचे का सॉकेट खोल लेते हैं और इसमें नीचे का सॉकेट डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये सॉकेट मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें ये वाला सॉकेट लगेगा। देखिए, इसमें कोई भी नट नहीं दिया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें नट 3 लगेगा, तो ये नहीं लगेगा, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो यही इसमें लगेगा। तो मैं वीडियो को पॉज करके इसे खोल लेता हूँ। खोलने बहुत आसान है दोस्तों, इसको इसी में देखिए, इसके जैसा ये है, इसको पकड़ के दोनों को खोलेंगे, इसको बम्बू बोला जाता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ फटाफट से, जल्दी से। तो दोस्तों, इसका मतलब है ये वाला जो नट है, ये वाला नट, ये इसमें नहीं जा रहा है, तो इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेटल का है, ये बहुत दिक्कत होएगा तोड़ने में, तो इसको उल्टा इस पर रख लेंगे, नहीं तो देख लेते हैं इससे इस पर रखा तो है नहीं रखाएगा, ऐसे उल्टा करके इसको रख लेंगे। और ये इसके साथ बम्बू के साथ ये मिलता है, तो इसको इस वाले होल में ऐसे करके डाल लेंगे और हथौड़ी से मारेंगे। तो दोस्तों, इसको हथौड़ी से मारेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, ये बूस निकल जाएगा बाहर। तो अभी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसे हथौड़ी के सहायता से ठोक ठोक कर इसको तोड़ दिया। देखिए, ये क्लीन हो गया।
और ये वाला इसको फेंक देंगे, ये अब काम का नहीं रहा। देखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप मिक्सर जार रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको पोंछ लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला नया है, नया सॉकेट, इसको सॉकेट बोला जाता है। आपको मार्केट से 80-90 रुपये का मिल जाएगा, लोकल मार्केट से। और इससे दुकान पर आप जाएंगे तो 100-120 से 150 ले लेगा रिपेयरिंग करने में, खर्चा आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, इसको रख लेंगे, अब ये सट गया, तो ये होता है, इसको रख लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद इसको भी रख लेते हैं, अगर ये आ रहा है तो इसे भी रख ले ताकि पानी ना लीक करे। और इसको कस लेंगे यहाँ पर, इसको अच्छे से टाइट कस ले रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, इस बम्बू से, इस बम्बू से कस के दिखाऊंगा। तो थोड़ा मैं वीडियो को स्टेबल किसी चीज़ पर रख लेता हूँ, इस पर रख लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए जार है, और ये बम्बू, ये बम्बू देख रहे हैं आप। और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको कसेंगे। तो दोस्तों इसको फुल टाइट कस लेना है। तो मैंने इसको कस लिया, और थोड़ा इसको रख लेते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें ये नया सॉकेट लगा लिया, और उसके बाद देखिए ये नया सापट और ब्लेड भी इसके साथ चेंज कर दे रहे हैं ताकि ये अच्छा से वर्क करे, काम करे। तो देखते हैं ये इसमें सापट घुसता है या नहीं। तो ये सापट बहुत टाइट हो रहा है, नहीं घुस रहा है। तो ये मेरे पास रेमर है, इसको रेमर बोला जाता है, देखिए दोस्तों। तो इसको ऊपर से इसको इसमें डालकर कस लेंगे और फिर चेक करेंगे कि घुस रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, पूरा स्मूथ तरीके से इसमें जा रहा है, आर पार आ जा रहा है, देखिए दोस्तों। तो इस रेमर का भी इस मिक्सर जार रिपेयर करने में अहम भूमिका है ज़्यादा। तो इसको इस पर कस लेते हैं, और वाशर भी ज़रूरी है दोस्तों इसमें लगाने के लिए। तो इसमें वाशर अभी काम नहीं है। और इसका नट देखिए ये है, इसको इसमें कस लेते हैं। तो उल्टी नट इसमें कस आएगी, उल्टी हाथ तरफ से। ब्लेड है उल्टी, तो ऐसे सीधा ब्लेड लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा पेंडी में। तो इसको इसमें डाल लेते हैं, और दोस्तों देखिए ये लग गया है। और देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इतना अभी मतलब इतना वाशर इसमें डालना पड़ेगा, इतना बाहर सापट आ चुका है। तो इसमें वाशर डाल लेंगे, देखिए ऐसा वाशर होता है छोटा छोटा, इसमें दो वाशर डाल लेते हैं। और इसको लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लेते हैं दोस्तों, ये गाड़ी का मोबिल है। तो दोस्तों देखिए डाल लिया, और इसमें कैपिलरी ये वाला लगाएंगे, ये वाला कैपिलरी।
तो दोस्तों ये रेडी हो चुका है और यह बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अभी सीख गए होंगे इस मिक्सर जार को रिपेयर कैसे करते हैं। एक अगर मिक्सर जार आप रिपेयर करना सीख जाओगे तो सारा मिक्सर जार आप रिपेयर कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो यह देखिए, इसको ये अच्छे से घूम रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर मतलब हिल नहीं रहा है। तो इसमें पानी लीक करने का अब समस्या कोई नहीं रहेगा। और इसमें न्यू ब्लेड लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी सामान में ही पीसा जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।